हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सेल साइकिल के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सेल साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेल बायोलॉजी। सेल साइकिल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। सेल साइकिल जो कि सेल डिवीजन कर रहा है, सेल साइकिल में जा रहा है, तो उसके लिए कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, सेल डिवाइड करता है तो उसके कुछ फेजेस होते हैं। वो फेजेस क्या होते हैं? सेल साइकिल इज ऑर्डरली इवेंट। क्या है ये ऑर्डरली इवेंट है। इट इज अ ऑर्डरली इवेंट। ये एक ऑर्डरली इवेंट है। नो डिवीजन कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें कि कोई भी डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती, जैसे कि आरबीसी, जैसे कि मसल सेल्स, जैसे कि न्यूरॉन्स। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें कि कोई भी डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती। क्रोमोसोम डेंसिटी की बात करते हैं तो जनरली ये कहाँ पे होता है? इन बिटवीन जो सेंटर होता है वहां पे ज्यादा होता है। जो सेल फेजेस होते हैं वो चार फेजेस होते हैं। काफी चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन सेल साइकिल क्या होता है कि सेल जो होता है अपना नंबर डिवाइड करता है। सेल जो होता है वो अपना नंबर डिवाइड करता है। एक एक से दो बनता है, दो से कुछ इस तरीके से। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, सो वो चीजें देखेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो कि यहाँ पे पूछा जाता है। खासकर चीजें जो पूछी जाती हैं, सेल साइकिल इज ऑर्डरली इवेंट होता है। इसमें यही होता है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? डीएनए रिप्लिकेशन किसमें होता है? ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें याद रख रहिएगा। जीवन जो होता है, जीवन फेज में इंक्रीज करता है साइज को, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है। जो इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसको बोलते हैं कि एस फेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेट करता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है, हिस्टोन की सिंथेसिस भी यहीं पे होती है, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इनिशिएट हो जाता है। सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो इनिशिएट होता है, कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ इनिशिएट होता है। नाउ जी टू फेज की बात करें, कंप्लीट सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जी टू फेज में जाके होता है। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस वन फेज में इनिशिएट हुआ होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है जाके? वो कंप्लीट होता है जी टू फेज में। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस भी इन्वॉल्व होती है। फेज ऑफ द फाइनल चेक जो कि फाइनल चेक होता है, एम फेज जिसको बोलते हैं, फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस जहां होता है। जीवन फेज जो एनिमल सेल में होता है ये 11 घंटे के लिए चलता है, एस फेज 8 घंटे के लिए, जी टू फेज 4 घंटे के लिए और एम फेज 1 घंटे के लिए। टोटल जो टाइम होता है ये होता है 24 आवर। इस तरीके से बेसिक सेल साइकिल आपने देखा। अगर मैं बात करता हूं कि एक सेल जब देखेंगे, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं कि इतने सेल थे, डिवाइड हो रहा है कितने, इस बार कितना होगा, कितने डिवीजन, वॉट एवर दिखेगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक सेल से कितना बन रहा है? एक सेल से बनता है दो। दो से कितने बनते हैं? दो से बनते हैं चार। ठीक है, अगर इस तरीके से दिख रहा है, एक से बनते हैं दो, दो से बनता है चार और चार से बनता है आठ। तो ये कुछ इस तरीके का पार्ट चल रहा है। जब इस तरीके का पार्ट चल रहा है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये क्या है? दैट इज व्हाट, 1 × 2⁻⁰। ये क्या है? 1 × 2⁻⁰, 1 × 2⁻⁐। इसको लिख सकते हैं 1 × 2⁻³। ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली ये एक्सपोनेंशियल वे में चल रहा है। इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं n = n₀, कि इनिशियल कितना नंबर है, (× 2⁻ⁿ)। ये जो n होता है, n इज द नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन है, कितना डिवाइड किया है, नंबर ऑफ डिवीजन। ये किस सेल्स के लिए होता है? ये जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स के लिए होते हैं। कैसे होते हैं? सोमैटिक सेल्स के लिए होते हैं जो कि सिमेट्रिक डिवीजन फॉलो करते हैं, जो कि सिमेट्रिक डिवीजन
फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आपके एसिमेट्रिक सेल्स, जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए एसिमेट्रिक सेल का। एसिमेट्रिक सेल का कोई एग्जांपल पता है किसी को? जैसा कि स्टेम सेल, स्टेम सेल का नाम सुना हुआ है, स्टेम सेल, स्टेम सेल इज एसिमेट्रिक डिवीजन। एसिमेट्रिक डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है, ये सिमेट्रिक डिवीजन हो रहा है, सिमेट्रिक डिवीजन है। एसिमेट्रिक का मतलब कुछ दिखेगा, ये स्टेम सेल होता है, इससे दो डिवाइड करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। ये जो छोटा वाला होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए चला जाता है, और दूसरा जो होता है वो अगेन स्टेम सेल की तरह एक्ट करेगा, फिर इससे डिवाइड होगा, एक छोटा फिर एक बड़ा, ये स्टेम सेल की तरह काम करेगा और ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए चला जाएगा। सो चाहे एन नंबर ऑफ डिवीजन हो, चाहे एन नंबर ऑफ डिवीजन हो, कितने भी डिवीजन हो, एट द एंड कितना सेल मिलने वाला है, एट द एंड यू विल गेट, ठीक है, आपको कितने स्टेम सेल मिलेंगे, यू विल गेट वन स्टेम सेल, आपको एट द एंड वन स्टेम सेल मिलेगा, बाकी सब स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाले हो जाएंगे, बाकी सब स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाले हो जाएंगे। दिस इज द एसिमेट्रिक डिवीजन के लिए ये चीज रोल प्ले करती है। इज इट क्लियर? ग्रेट, सो नाउ यहां तक क्लियर होगा, डिवीजन इस तरीके से चल रहा है। डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो डिवीजन की एक साइकिल होती है, डिवीजन जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है सेल डिवीजन। ये डिवीजन चाहे माइक्रोब हो, चाहे आपका प्लांट हो, चाहे एनिमल सेल हो, हर किसी के लिए वैलिड होता है, ये हर किसी के लिए वैलिड होता है, चाहे कोई भी सेल हो, ये डिवीजन हो रहा है वो हर किसी के लिए वैलिड होता है, चाहे डिवीजन किसी भी सेल का हो रहा हो, माइक्रो प्लांट एनिमल किसी भी सेल का डिवीजन हो रहा हो, हर जगह ये वैलिड होगा। सेल डिवीजन सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल के केस में इक्वल साइज होते हैं, एसिमेट्रिकल में इक्वल साइज नहीं होता। एसिमेट्रिकल की जब बात करेंगे तो एट द एंड आपको सिर्फ वन सेल मिलने वाले हैं, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि पोटेंसी, मोनोपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक फंक्शन है, अगर इंटेस्टाइनल सेल है तो इंटेस्टाइन ही में काम करेगा, दैट इज द वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन वाला होगा। सेम पोटेंसी जो होगी वो एक ही होगी, उसी में काम करेगा। मल्टी पोटेंसी की बात करें, मल्टी का मतलब है एक सेल कई तरीके से काम कर सकता है, जैसे कि हीमोपोएटिक, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, HSC जैसे WBC बनाएगा, RBC बनाएगा, ये आपका प्लेटलेट भी बनाता है, ठीक है। सो तीन चार सेल्स बना सकते हैं, मल्टी पोटेंसी है। प्लूरोपोटेंसी का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सेल, कुछ भी बना सकता है, जैसे कि आपका क्या होता है, एनी काइंड ऑफ सेल, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इनर सेल मास, इनर सेल मास, ये क्वेश्चन आया हुआ है इनर सेल मास के ऊपर कि वो उसका नेचर कैसा होता है, इट इज द प्लूरीपोटेंसी, ये क्या होता है, प्लूरीपोटेंसी है, प्लूरीपोटेंसी शो करता है। उसके बाद आता है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी इज व्हाट की फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, क्या होता है, जाइगोट, यही एक ऐसा सेल है जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉलो करता है, दिस इज द टोटीपोटेंसी। ये एनिमल के केस में है, दिस इज फॉर द एनिमल केस, एनिमल के केस में होता है, लेकिन फॉर द प्लांट, फॉर द प्लांट एक स्पेशल केस होता है, फॉर द प्लांट अगर बात करें, सो ऑल सेल्स आर टोटीपोटेंट, ऑल सेल्स आर टोटीपोटेंट, किसी भी जो सेल्स होते हैं सब टोटीपोटेंट होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ कुछ फेजेस होते हैं, G1S G2M जो मैंने आपको बताया था, G1S G2M क्रोमोजोम का नंबर वैरी नहीं करता, लेकिन डीएनए कंटेंट वैरी करता है। एस फेज में क्या होता था, डीएनए का रिप्लिकेशन होता था, देखिए क्रोमोजोम वैरी नहीं करता, 2N 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 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पार्ट प्ले कर रहे हैं किसमें, डीएनए कंटेंट देखिएगा कि G1 फेज में ये 2C हो जाता है, S फेज में 2C to 4C और G2 में 4C ही रहता है, और M फेज में 4C to 3C होता है, और भी कहां पे वो होता है, मेटाफेज पे, कहां पे होता है, मेटाफेज पे होता है, जहां पे 4C से 2C में कन्वर्ट होता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ए इज व्हाट, ए इज की बात करेंगे, ए इज G1, बी क्या है, बी है S, और C एंड D क्या है, G2 प्लस M है। इज इट क्लियर?
ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएसआईआर में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट में, दो नंबर के सेक्शन में डायग्राम देके पूछ लेगा कौन कहाँ पे है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ उसके बाद मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, ये सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बेसिक जानना जरूरी होता है कि सीडीके साइक्लिन होता क्या है। अगर एक या दो नंबर में पूछ दे तो वो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक बोलते हैं सीडीके, इसका फुल का नाम क्या होता है, फुल नेम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसी से आप क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए साइक्लिन। सीडीके और साइक्लिन के कॉम्बिनेशन यही दोनों मिलके बनाते हैं मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। सीडीके इसके नाम में है काइनेज, काइनेज नाम है तो सीधे बता सकते हो कि इट इज अ कैटेलिटिक एंड साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी, क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट है। तो जब तक साइक्लिन नहीं होगा सीडीके फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सो साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी एंड सीडीके इज अ कैटेलिटिक। नाउ इसका रोल क्या है देखिएगा, बस आपको इस तरीके से याद करना होता है 462211, ये कोड है, बस बता दे रहा हूं, बहुत दिमाग पे जोर नहीं लगाना, ये कोड इस तरीके से याद कर सकते हैं। द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन, द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन होता है। देखिएगा कोई भी सेल जब डिवाइड करता है, कोई भी सब सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, तो पहले कहां पे होता है, पहले होता है जीवन फेज में, फिर पहुंचता है एस फेज में, यहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है जिसको बोलते हैं जीवन एस ट्रांजिशन, एस से फिर पहुंचेगा जी टू में, जी टू के बाद ये होता है एम फेज, फिर एम में एक मेटा फेज आता है और एना फेज, यहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है और जी टू टू एम ट्रांजिशन होता है। तो ये कुछ फेजेस ट्रांजिशन होते हैं, कैसे मूव करेगा, तो वो इन्हीं मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको रिलेट करेंगे, दैट इज वॉट सी हियर, ठीक है। सो G1 फेज में जो इन्वॉल्व होता है दैट इज DEAAB, इसका कोड मैंने आपको बताया था द, ठीक है, दैट इज व्हाट द एंटरटेनर एक्टर, द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये कोड मैं ऑलरेडी बताया हुआ था। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं। और ये है जी से, देखिए पहला जो है वो G1 फेज में होगा, फिर D46 ये होता है यहाँ पे, उसके बाद आएगा G2, G1 से S में जाने के लिए E2, उसके बाद S फेज में होगा A2, फिर S से G2 में जाने के लिए A1 और G2 से M में जाने के लिए B1 होता है। दिस इज व्हाट द CDK एनसाइक्लिन कौन किस में यूज होता है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बन सकते गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यही पूछा जा सकता है कि अगर CDK 2A है या CDK या साइक्लिन जो है टू साइक्लिन टू CDK 2 और साइक्लिन A है तो वो किस फेज में इन्वॉल्व होता है। इज इट क्लियर, चलिए तो दिस इज फॉर द टुडे सेशन। बाकी माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस से लेके आगे जो होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ माइटोसिस, क्योंकि वो जरूरी है, माइटोसिस डिस्कस कर देते हैं। तो वही फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस होता है। प्रोफेज जो होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। मेटाफेज में मूव करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये क्रोमेटिन कंडेंस होके इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपियर हो गया। फिर मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आते हैं जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। फिर एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे होगा, सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटोकोर से जैसे बाइंड कर लेगा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर और उसको एक दूसरे को खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, पहले क्रोमोजोम इस तरीके से अरेंज रहेंगे, ठीक है। इनको फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे लाया जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाने के बाद क्या होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा सिस्टर क्रोमेटिड से और फिर ये खींचना शुरू कर देगा इस तरीके से, ये खींचना शुरू कर देगा इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल पे जाएगा, फिर यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगी और अलग हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द माइटोसिस इज, इज इट क्लियर गाइस। सो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल क्लास में, जहां पे ये पार्ट देखेंगे और सेल सिग्नलिंग के कुछ पार्ट देखेंगे, और अगर हम टाइम बचेगा तो कल ही हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रोसेस, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो कल ही हम
फंडामेंटल प्रोसेस भी करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए डिसअपीयर होता है क्योंकि ऑर्गेनेल क्या होना है, न्यूक्लियर कंटेंट जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो रहा है। डबल होने क्यों, डबल क्यों, अगर डिसअपीयर नहीं करोगे तो उसी में डबल अमाउंट कैसे आ जाएगा। मैं आपका ये इसी न्यूक्लियस में, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है इसमें इतना डीएनए कंटेंट आ सकता है, अभी इसको रिप्लिकेट करना है, इसको रिप्लिकेट करना है तो इसको डिसअपीयर होना पड़ेगा ताकि ये जो है जो न्यूक्लियर जब डिसअपीयर होगा तो ये इस तरीके से पूरा स्पेस ले सके। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी करनी होती है उसको, ठीक है, जहां पे रोल प्ले करना होता है तो स्पेस प्रोवाइडेशन के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हटना जरूरी हो जाता है। इज इट क्लियर? Hey guys, hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।